तो हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। कैसा प्लेबैक मिलता है तो चलिए इसे टेस्ट करते तो हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 4440 आईसी से ऑडियो एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसे बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें दो कैपेसिटर लगेंगे, 25 वाट 47 μF के, और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो भी हमें 25 वाट 100 μF के 3 कैपेसिटर लगेंगे, और हमें इस प्रकार के 2A 104J के कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें 1 kΩ के 2 रेजिस्टेंस लगेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इस आईसी के तीसरे लेग पर एक तार जोड़ देंगे, उसी प्रकार आईसी के छठे लेग पर भी एक तार जोड़ेंगे, और वैसे ही आईसी के 8वें लेग पर भी एक तार जोड़ देंगे। और इन सभी तारों को बाद में इकट्ठा जोड़ देंगे। तो अभी हमें आईसी के पहले लेग पर 25 वाट 47 μF कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग को जोड़ देना है, और अभी जो आईसी की जो सेकेंड लेग है वहाँ पे 1 kΩ का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। अभी हम आईसी के 5वें लेग पे 25 वाट 100 μF के कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग को जोड़ देंगे, और उसी कैपेसिटर की माइनस वाली लेग पे हम इस हरे रंग के 2A 140J इस कैपेसिटर को भी जोड़ देंगे। मैंने इसे पहले से ही जोड़ कर रखा हुआ है, तो आप ख्याल रखें। और हमें आईसी के 7वें पिन पे एक कैपेसिटर को जोड़ना है 25 वाट 47 μF, तो इस कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग को वहाँ पे जोड़ना है 7वें नंबर पिन पे। अभी इस आईसी में 2 कैपेसिटर जोड़ने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि वह जोड़ तो देंगे हम पर बहुत ही डिस्टर्बिंग दिखेगा, और इन इनपुट और आउटपुट के लिए भी दिक्कत होंगी। तो हम यह कॉपर के तार का सहारा लेंगे यहाँ पर हम। तो हमें कॉपर की 4 अलग अलग छोटी तारें ले लेनी है, और उसे हम आईसी के पिन नंबर 13, 12, 10 और 11 पर जोड़ देंगे अच्छी तरीके से। तो अभी जोड़ने के बाद हमें आईसी की 10 नंबर की पिन पर 25 वाट 100 μF के कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग को जोड़ेंगे। और इसी कैपेसिटर की नेगेटिव लेग को आईसी के 11 नंबर पिन पर जोड़ देंगे। उसी प्रकार आईसी के 12 नंबर पिन पर हमें 25 वाट 100 μF के कैपेसिटर की नेगेटिव लेग जोड़ देना होगा, और इसी कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग को आईसी की पिन नंबर 13 पर लगा देंगे।
आईसी के फर्स्ट लेग पर जो कैपेसिटर लगा है उसके नेगेटिव लेग और जो हरे रंग का कैपेसिटर लगा है उन दोनों के बीच में हमें 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। अभी हमें यहाँ 25 वाट 47 μF के दोनों कैपेसिटर की नेगेटिव लेग को एक कॉपर तार के मदद से जोड़ देना होगा। अभी हमें जो हरे रंग का कैपेसिटर है उसको आईसी की लास्ट वाली पिन के साथ हमें कनेक्ट कर देना होगा। इन सभी तारों को अभी हम इस ग्रीन कलर के कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे कॉपर की तार की मदद से। अभी हम आईसी में 12 वाट का पावर सप्लाई देंगे। हमें अभी 12 वाट की जो पॉजिटिव वाली साइड है उसे आईसी की पिन नंबर 11 पर जोड़ देंगे। और जो 12 वाट की जो नेगेटिव लेग रहेंगी उसे आईसी के 14 नंबर पिन पर कनेक्ट कर देंगे। अभी लगाते हैं स्पीकर के वायर। तो यहाँ पर हमें आईसी में 10 नंबर और 12 नंबर के पिन पर से हमें आउटपुट मिल जाएगा स्पीकर का। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे 10 नंबर और 12 नंबर पिन पर स्पीकर आउटपुट लेंगे। तो अभी बारी है हमारे ऑडियो इनपुट की। तो हम ऑडियो इनपुट के लिए 3.5 mm वाले जैक का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस जैक के फर्स्ट वायर को आईसी के सेकंड लेग में लगे रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। दूसरे वायर को हम हरे कलर के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। तो ये सर्किट पूरी रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी पावर सप्लाई देते हैं इसे। तो हमारे पास पावर सप्लाई के लिए कंप्यूटर का पावर सप्लाई है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा साउंड कैसा प्लेबैक मिलता है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।